लाइव, मैं हूँ भानु प्रताप। आज हम अयोध्या जिले में हैं। जैसा कि अयोध्या जिले के प्रयागराज हाईवे है, जो अयोध्या प्रयागराज हाईवे के नाम जाना जाता है। आज इस रास्ते पर जो कि है दो शख्स मिले हैं, जो कि साइकिल से हैदराबाद से चलकर आ रहे हैं। इनको लमसम कह रहे हैं 21 दिन का समय लगा। इनसे जानते हैं कि इनकी यात्रा कैसी रही, इसके बारे में जानेंगे कि प्रभु श्री राम की नगरी में इनका आगमन हो गया है। जी भैया, आपका नाम पहले? राजू। राजू जी, हम ये जानेंगे कि आपको इस यात्रा में कितना दिन का समय लगा? 21 डेज। 21 डेज। तो अभी आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से आए हैं, पूरा डिटेल बताइए। सुल्तानपुर से हम अभी नहीं तो हमारा एड्रेस हैदराबाद में। कहाँ के रहने वाले? हाईटेक सिटी में। हाईटेक सिटी में। तो हाईटेक सिटी से आप चलकर आए हैं, प्रभु श्री राम की नगरी में आपका आगमन हो चुका है। तो जैसा कि आपको जो यात्रा है 21 दिन का समय लगा है, तो इतनी दिक्कतें, कुछ दिक्कतों की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा, तो कैसा अनुभव महसूस किया आपने 21 दिनों में? दिक्कत तो तेलंगाना बॉर्डर तक तो कुछ दिक्कत नहीं था 10 दिन तक। वहाँ से नाइट टाइम में मंदिर नहीं मिला और फूड नहीं पड़ रहा, तो फूड पॉइजन हो रहा था, तो कुछ कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें तो हो रही थी। जैसा कि अभी आप प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच चुके हैं, तो जैसा कि अब यहां से अयोध्या धाम जो है 40 किलोमीटर दूर है, तो आज आपकी यात्रा जो है आज शाम तक पूरी हो जाएगी। या तो प्रभु श्री राम का जो दर्शन है वो आपका हो जाएगा? नहीं नहीं, आज के डेट में नहीं होगा, कल के डेट में तो दर्शन तो हो जाएगा। दर्शन तो हो जाएगा। 3 बजे पहुंच जाएंगे। तो जैसा हम दिखा रहे हैं कि साइकिल देख लीजिए, रेंजर साइकिल है। इस रेंजर साइकिल से ही चलकर साइकिल चलाकर ये हैदराबाद से आ रहे हैं। लोगों को इतनी दूर से आने में तो ट्रेनों से भी दिक्कत होती है, लेकिन ये शख्स जो है साइकिल चलकर आए। एक शख्स से और जानेंगे। जी भैया, पहले तो आपका नाम? सिद्धू। सिद्धू, तो आप बताइए, आप हैदराबाद चलकर आ रहे हैं, तो आपको बहुत सी परेशानियां हुई होंगी? हुआ था, बहुत हुआ था, मगर राम के नाम लेके आगे बढ़ के जा रहा था। तो ये बताइए, रास्ते में आपको किसी ने मदद दी? हाँ दिया, तेलंगाना में दिया था, और उधर नॉर्थ इंडियन है ना, उन लोग जरा नहीं दिया था, हमारे को दूर भगा दिया, मगर जरा लोग हेल्प करा, जरा लोग नहीं करा। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसा अयोध्या में प्रवेश आपका हो चुका है, तो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रामलला याद आ रहा, बहुत रामलला याद आ रहे हैं, जाना दर्शन लेना बोल के। तो जैसा कि अभी आप जो है अयोध्या धाम के लिए प्रवेश कर रहे हैं, मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी बची है। जैसा कि आप जब अयोध्या में आप पहुँच जाएंगे, तो प्रभु श्री राम का जब आप दर्शन करेंगे, तो आपकी यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी? हो जाएगी। तो आप जैसे यहाँ जब यात्रा आपकी हो जाएगी, तो आप लौटते वक्त साइकिल से ही जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन के जाएंगे। तो साइकिल आपकी क्या होगी? ट्रेन में डालेंगे। तो अभी आप प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंच चुके हैं, तो एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, आप इतनी मेहनत से साइकिल चलाकर हैदराबाद से आए हैं, तो इतनी परेशानियों का सामना आपने किया है, मामूली बात नहीं इस ठंड के समय में, क्योंकि गर्मी का समय हो तो मान ले, लेकिन ठंड के समय में बहुत बड़ी बात है जो कि आप साइकिल से यात्रा अपना पूरा कर रहे हैं। तो अभी आप बताइए, जैसा कि मैंने अभी भाई साहब से सुना, कुछ आप परेशानी बता रहे थे, कुछ ऐसा विवाद हुआ था कोई, उस विवाद के बारे में बताइए। रेस्टोरेंट में बड़ा वाला रेस्टोरेंट में जाता ना, उधर पेशल लोग रहता ना, उन लोग हमारे को चिप देख रहे थे, अरे क्या है वो लोग बोल के उसे देख रहे थे, उधर हम दिल तोड़ गया उधर। नहीं, कुछ विवाद हुआ था हिंदू मुस्लिम, आपने बताया था कि जैसे कुछ विवाद हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ, कुछ विवाद हुआ था, जो कि आपने कहा मैं प्रभु श्री राम का जब दर्शन करूंगा तभी ये नहीं है हिंदू मुस्लिम हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ उसका ऐसा। तो भी एक भाई साहब ने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम आपको आई थी, तो ऐसा सामना करना पड़ा आपको? नहीं है ऐसा तो नहीं हुआ। तो जैसा कि अब ये बताइए कि आपके जैसे आप अयोध्या में आए हैं, तो हैदराबाद में अयोध्या को लेकर क्या चर्चा होती है? अयोध्या के लिए चर्चा अच्छा होते हैं, मगर ओल्ड सिटी में हो तो हमारे को नहीं मालूम, उधर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उधर से बात तो हमारे को नहीं मालूम, मगर हैदराबाद में बहुत लोग आए थे, कर सेवक बोलते हैं ना उन लोग, बहुत लोग आए थे उधर, उसके लिए हम लोग आया उधर। अच्छा। उसका आत्मा शांति होना बोल के। अच्छा। वो मर गया ना, बहुत लोग अयोध्या मंदिर के लिए, उसको आत्मा शांति होना बोले, शांति के लिए यहाँ आए हुए हैं, हमारे कुछ नहीं है, उसका आत्मा शांति होना बोल के उत्ताज। अच्छा, इसी के लिए आप यहाँ पे साइकिल से यात्रा अपनी कर रहे हैं पूरी? हाँ, क्योंकि उसकी आत्म शांति हो सके, शांति हो सकते उत्ताज। धन्यवाद। जैसा कि हमने इनसे जाना और ये बता रहे हैं कि अपनी जो है कुछ वजह थी कि आत्म शांति के लिए ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, इससे इनको शांति मिल सके, और ये अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूरी है अयोध्या की, जैसा कि आज ये शाम तक अयोध्या पहुँच जाएंगे, और लगातार ये हैदराबाद से साइकिल से आ रहे हैं, अपनी यात्रा को पूरी कर चुके हैं, मात्र 40 किलोमीटर बची है। इनके लिए 40 किलोमीटर कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब ये हैदराबाद से यहाँ पहुँच सकते हैं, तो यहाँ से 40 किलोमीटर इनके लिए खेल के समान है, कोई बड़ी बात नहीं है।
है, तो इनसे हमने जाना ये कहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी अपने परिचय दिया, हैदराबाद से चलकर आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हैदराबाद साइकिल चला कर आना, क्योंकि लोगों की हालत ख़राब हो जाते हैं सवारियों से गाड़ियों से आने में। ये शख्स हैं जो कि साइकिल से आ रहे हैं, इनकी बहुत ही भक्ति में लीन है प्रभु श्री राम की, इतनी श्रद्धा है जो कि ये साइकिल चला कर लगातार हैदराबाद से आ रहे हैं। तो हम बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों लोग सक्सेस जो है साइकिल से आ रहे हैं, अब प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच चुके हैं, बस शाम तक इनके अयोध्या धाम में पहुंच जाएंगे। अयोध्या से भानु प्रताप की रिपोर्ट।